देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की आबोहवा इस बार दिवाली से पहले ही खराब हो चुकी है। मौसम के बदलने के साथ ही कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलने और अन्य वजहों से प्रदूषण स्तर लगातार बढ़ने लगा है। सोमवार की अगर बात की जाए तो DTU यानी कि रोहिणी इलाके में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है। इसी तरह मुंडका, द्वारका, आनंद विहार, बुरारी, IGI एयरपोर्ट इलाके में भी दिल्ली की एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। सोमवार को दिल्ली का औसत तापमान रविवार की तरह 200 से ज्यादा यानी कि खराब श्रेणी में है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली की औसत AQI 228 रहा। सोमवार को दिल्ली का औसत तापमान सुबह के समय 200 के पार है और जबकि सोमवार सुबह के समय DTU इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक 411, मुंडका में 292, आनंद विहार में 291, द्वारका सेक्टर में 219, IGI एयरपोर्ट में 198, सोनिया विहार 186, लोधी रोड 141 और ITO में 150 दर्ज किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अवनिंदु सिंह जुड़ गया। अवनिंदु, जैसे कि हम देख रहे हैं कि प्रदूषण का जो स्तर है लगातार खराब होता जा रहा है आज से और हल्की हल्की धुंध भी देखी गई सुबह के समय, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में अगर प्रदूषण की बात की जाए तो लगातार प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे जो बुजुर्ग हैं उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लगातार देखिए दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त आसमान में जो है धुंधलापन छाया हुआ दिखाई देता है, लगातार जो है प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में जो है प्रदूषण कम करने के लिए हॉट स्पॉट की जो है विशेष आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें 13 जगह खास जो है रणनीति तैयार की गई। दिल्ली के हॉटस्पॉट पर प्रदूषण रोकने के लिए खास रणनीति तय की गई। हॉटस्पॉट जैसे आनंद विहार, विवेक विहार, द्वारिका, ओखला, बाजीपुरी, अशोक विहार, आरकेपुरम, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर अब निगरानी रखी जाएगी प्रदूषण को लेकर। जी अमरिंदर सिंह, जरा ये भी बताएं कि हर बार हर साल की ये बात हो गई है कि AQI लेवल जो है लगातार बढ़ता जाता है दिवाली के आसपास, तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस बार जो है क्या एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए लगातार अगर बात की जाए दिल्ली में प्रदूषण की तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष अगर बात की जाए तो दीपावली पे कहीं कहीं जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पहले से ही पटाखों पर बैन लगा दिया, तमाम तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो है पटाखे नहीं चलाए जाएंगे जिससे प्रदूषण फैलता, लेकिन देखने वाली बात होगी। जबकि दीपावली का कहा जाए अभी एक माह लगभग दूर है, उससे पहले ही दिल्ली के जो हालात है जो है 200 प्रदूषण जो है लगातार देखने को मिल रहा है। और दिल्ली का अगर सुबह की बात करते हैं तो तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्का हल्का धुंधलापन छाया हुआ दिखाई देता है, जिसमें दिल्ली के तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं कहीं कहीं उन्हें अब प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें सांस लेने में तमाम तरीके से दिक्कतें होती हैं और कहा जाए उनकी आंखों में जलन से ही महसूस होती है दीपाली। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अवनिंदर सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी, आपको बता दें कि AQI लेवल दिल्ली NCR का लगातार बढ़ता जा रहा है और हर साल जो है ये स्थिति देखने को मिलती है।